एक्चुअली आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय मेनी पर्संस एंड मेनी मूवीज विच आर बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, ठीक है, फिक्शन नहीं, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. शायद आपने भी एक मूवी का नाम सुना होगा, उस मूवी का नाम है दैट इज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. जो उसमें एक्टर है उसमें विल स्मिथ एक्टर का जो नाम है. हालत खराब है विल स्मिथ के, मतलब कि फाइनेंशियली ही इज ब्रोक, ठीक है, कोई पैसा नहीं है, खाने का भी पैसा नहीं है क्योंकि हालात इतने खराब है, बिजनेस काफी दिनों से डाउन चल रहा है, ठीक है, जॉब भी नहीं है कोई जो कि पेड जॉब हो, ठीक है, वाइफ भी छोड़ के जा चुकी है, वाइफ अपना जो बच्चा है दोनों का वो भी छोड़ के चली गई कि तू ही संभाल इसे, ठीक है, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ. बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, ठीक है. कहीं से एक कॉल आता है उसे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जैसे ही लैंडलाइन, मतलब कि पुराने टाइम की मूवी है, लैंडलाइन पे फोन रिंग करता है, ठीक है, तो वो फोन उठाता है और उधर से एक लड़की बोलती है कि कल आपका इंटरव्यू है सुबह 10 बजे, आप आ जाइएगा, बट हाँ एक फोन नंबर नोट डाउन कर लीजिए, मान लेते हैं, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं 7198632, ये कोई ऐसे ही फोन नंबर है, ये 7198 आप नंबर नोट करिए, ठीक है. वो कहता है हाँ हाँ मैं नंबर नोट करता हूँ. घर पे कॉपी पेन भी नहीं है, सोचो इतने बुरे हालात हैं, कॉपी पेन भी नहीं है, ठीक है. तो कहती है मैं नंबर बोल रही हूँ 7198632. अब उसको पता है वो नंबर नोट करना और उसको अपने पास याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नंबर पे मैं कल कॉल करूंगा, मेरा इंटरव्यू फाइनलाइज होगा, ठीक है, एंड इसी से मेरी रोटी चलेगी, है ना. तो ये एक नंबर उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसको लगता है फोन रख देती है उसी टाइम ही, उसको लगता है मैं ये नंबर भूल जाऊंगा, वो सड़क पे चलना शुरू करता है, ठीक है, और ये बोलता चलता है 7198632 7198632 7198632, ऐसे चलता रहता है, एक 1.5 किलोमीटर चलता रहता है, रास्ते में दोस्त भी मिलता है, कोई दोस्त बातें करता जा रहा है, ये उसको कोई जवाब नहीं दे रहा, बोलता जा रहा है 7198632 7198632, ऐसे जो नंबर है उसको रिपीट करता जा रहा है. एक शॉपकीपर के पास जाता है, उससे इशारों में बोलता है कि मुझे कॉपी और पेन दे, वो पेपर और पेन देता है, उस पर लिखता है 7198632. जब उसे पता चल जाता है मैंने लिख लिया है, मैं इसे भूला नहीं हूं, फिर उसको अपनी जेब में रख लेता है. अब उसे हो जाता है कि हाँ यार, है ना, कि अब ये नंबर मेरे से नहीं खोएगा, इसको बार बार जो मैं रिपीट कर रहा था उसका फायदा रहेगा मेरे को, ठीक है. जब वो सड़क पे चल रहा था ना रिपीट करते हुए, लोग उसे देख रहे थे और कह रहे थे पागल, ऐसे कौन होता है जो सड़क पे चलते हुए ऐसे बोलता है 7198632 7198632, बोलता है कोई क्या? नहीं बोलता ना, बट उसको पता है कि लोग चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे पता है कि इस नंबर की मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. That's why I always repeat a lot, क्योंकि मुझे पता है इन बातों की क्या अहमियत है. कुछ लोगों को तो समझ आ जाएगी, समझ आ भी चुकी है, कईयों को समझ आ भी जाएगी अगले कुछ महीनों में, कईयों को समझ नहीं भी आती है. सारे समझदार थोड़ा होते हैं बेटा, ठीक है, सारे समझदार थोड़ा. तो इसी कारण हम कहते हैं कि रिवाइज जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए, ठीक है.